नमस्कार, स्वागत है आपका स्पोर्ट्स फैक्ट में। एक बार फिर हाजिर है प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के धमाकेदार मैचों के प्रीव्यू के साथ। धमाकेदार ये शब्द आपने हर वीडियो में सुना होगा, ये इस वजह से क्योंकि मैचेस चाहे जैसे भी हो, मैच काफ़ी रोमांचक होते हैं, काफ़ी धमाकेदार होते हैं। और प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 ऑलरेडी बहुत हाइप्ड है क्योंकि दो साल बाद इस टूर्नामेंट की जो है वापसी हुई है। इंडोर्स में हो रहे हैं, बिना फैंस के, बिना ये मैचेस हो रहे हैं। एक ही वेन्यू है, लेकिन बावजूद इसके जो रोमांच है उसमें कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। आज प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का 16वां दिन है और दो धमाकेदार मैचेस आपको देखने को मिलेंगे। पहला मैच आपको देखने मिलेगा पटना पायरेट्स बनाम तमिल थलाइवास, तो वहीं पर दूसरे मैच में आपको जो है जयपुर पिंक पैंथर्स बनाम बेंगलुरु बुल्स। पहला मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग इस वजह से क्योंकि जो दो टीमें हैं पटना पायरेट्स और तमिल थलाइवास, दोनों ही टीमें टॉप 6 में मौजूद है पॉइंट्स टेबल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। और जो दूसरा मैच है वो मैच काफ़ी जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक तरफ बहुत स्ट्रांग टीम है, एक तरफ स्ट्रांग टीम थी लेकिन अब स्ट्रांग नहीं लग रही है पिंक पैंथर्स। और बेंगलुरु बुल्स की बात करो, बेंगलुरु बुल्स टॉप 6 में मौजूद है और पिंक पैंथर्स फैन फेवरेट है, और कुछ वक्त तक तो वो टॉप 6 में थे लेकिन अब जो है वो नीचे आ गए। तो बात करेंगे हम एक एक मैच के बारे में बात कर ले। सबसे पहले स्मृति आप बताइए, जो दूसरा मैच है, पहले मैच की बात हम करेंगे, पहले मैच की बात थोड़ा बाद में करेंगे क्योंकि चैंपियन टीम का मैच है। तो जो दूसरा मैच है पिंक पैंथर्स बनाम बेंगलुरु बुल्स, पिंक पैंथर्स को जीतना आता है, वो एक सीज़न जीत भी चुके हैं, पहला सीज़न टू बी स्पेसिफिक वो जीत चुके हैं। मतलब जीतना किसे कहते हैं, वो हमें पिंक पैंथर्स ने ही सिखाया है, दिखाया है। और दूसरी तरफ उनके सामने आज होंगे बेंगलुरु बुल्स जो कि बहुत स्ट्रांग टीम है। तो इस मैच को आप कैसे देखते? देखिए अजय, आपने सही बोला, बेंगलुरु बुल्स की बात करें तो अभी वो पॉइंट्स टेबल में सेकंड नंबर पर चल रहे हैं और उनका जो विन रिकॉर्ड्स बोले तो 4 मैच वो जीत चुके हैं, वही एक हारे हैं और एक टाई रहा है। तो कंसिस्टेंटली बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में है बेंगलुरु बुल्स। और वहीं पे अगर हम बात करें जयपुर पिंक पैंथर्स की तो वो 10th नंबर पर स्टैंड करते हैं और देखिए वहां पे उनको 2 जीत मिली है, 3 हार मिली है और 5 जो मैच है उसमें उन्होंने 3 हार और 2 जीत का सामना किया है। तो इससे लगभग देखिए कल को भी हमने बोला था, मैंने बोला था कि दिल्ली दबंग जो है वो वन साइडेड मैच कहीं ना हो जाए कहीं। हालांकि चलिए बहुत ही बेहतरीन टाइटन्स ने बहुत ही बेहतरीन कंपटीशन दिया, 1 पॉइंट्स के वजह से वो हार गए, लेकिन आज का भी मैच बहुत इंटरेस्टिंग होगा। जयपुर पिंक पैंथर्स वापस से फॉर्म में आने की कोशिश करेगी, बेंगलुरु बुल्स को हराने का कोशिश करेगी। जहां बेंगलुरु बुल्स का कंसिस्टेंटली अच्छा फॉर्म चल रहा है वहां पिंक पैंथर्स का कैसा परफॉर्मेंस रहता है आज का वो देखने लायक होगा। देखिए जैसे कि हम सबको पता है कि पिछला मैच बेंगलुरु बुल्स जीत के साथ आई है और पहला मैच हारे थे। मुझे याद है यू मुंबा के खिलाफ वो मैच था, सीजन ओपनर पहला ही मैच बेंगलुरु बुल्स बनाम यू मुंबा था, वो एक मैच बेंगलुरु बुल्स हारे थे, उसके बाद से हार का मुंह देखा नहीं है। अगर हम पिछले मैचों की बात करें, जो 6 मैच खेले हैं बेंगलुरु बुल्स ने, पहला मैच मैंने बताया आपको कि हार के साथ शुरुआत की थी, उसके बाद लगातार 3 मैचों में जीत, उसके बाद एक मैच टाई रहा था और फिर जो पिछला मैच है वो जीत। तो यानी कि हार का मुंह जो है इस टीम को देखना नहीं आता है। तो वहीं पर अगर हम जयपुर पिंक पैंथर्स की बात करें तो हार के साथ ही शुरू की थी, उसके बाद 2 बैक टू बैक जीत और फिर 2 बैक टू बैक हार। तो आज जो है हार की हैट्रिक बचाना चाहेगी पिंक पैंथर्स। तो वहीं पर अगर हम देखें तो बेंगलुरु बुल्स हार का शक्ल जो है वो देखना नहीं चाहेगी क्योंकि लंबा वक्त हो चुका है, हार ही नहीं है ये टीम। पहले मैच पर आ जाते हैं, हमने दूसरे मैच की बात करी, पहले मैच पर आ जाते हैं। मेरी भी फेवरेट टीम है और प्रियांशी की भी फेवरेट टीम है, आप देख रहे होंगे मुस्कुरा रही है प्रियांशी। पटना पायरेट्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनके सामने तमिल थलाइवास। तो आज का मैच जो होगा बहुत ही रोमांचक होगा ऐसा मुझे लगता है, वो इसलिए लगता है क्योंकि पटना पायरेट्स चाहेंगे कि पॉइंट्स टेबल में छलांग लगाए या कुछ उसमें उलट फेर करें, तो वहीं पर तमिल थलाइवास की भी कोशिश होगी कि जो है टॉप 3 टॉप 2 मतलब उस तक, मतलब जितना नजदीक हो सके उतना पहुंचे। तो क्या लगता है आपको आज का मैच आप मतलब किस तरह से देखते हैं?
अजय मुझे लगता है कि कट्टे की जो टक्कर होती है ना, कांटे की टक्कर, उस टाइप का होगा, क्योंकि अगर हम पटना पायरेट्स की बात करें तो पॉइंट टेबल में वो तीसरे नंबर पे है, और अगर हम तमिल तलाइवास की बात करें तो वो पॉइंट टेबल पे पांचवें नंबर पे, तो ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है। और अगर आप हार की बात करें तो दोनों ने एक एक मैच हारा है, लेकिन अगर जीत की बात करें तो पटना पायरेट्स ने उसने 4 मैच जीते हैं, 5 खेले हैं, लेकिन अगर हम तमिल तलाइवास की बात करें तो उसने 2 मैच ही जीते हैं। और अगर हम खेलने की बात करें तो तमिल तलाइवास ने 6 मैच खेले, मतलब 1 मैच ज़्यादा खेला है और जीत कम है, लेकिन टाई उनके 3 मैच रहे हैं। देखिए, जैसे प्रियांशी ने आपको बताया, मैं आपको एग्जैक्टली जो है वो बता देता हूँ। तो देखिए, तमिल थलाईवास की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। पहला मैच जो है वो टाई रहा था, उसके बाद टीम ने जो है पहला हार जो है फर्स्ट डिफीट उसका मुंह देखा था सेकंड मैच में, फिर उसका देखा और टाई, और फिर जीत, फिर टाई, फिर जीत। तो एक मैच हारी है तमिल थलाईवास, लेकिन 3 मैच जो है वो ड्रॉ रहे, इस वजह से भी टॉप 6 में बनी हुई है टीम। वहीं अगर हम पटना पायरेट्स की बात करें तो इस टीम ने भी अपना दूसरा मैच जो है वो गवाया था, जीत के साथ शुरुआत की थी, यूपी योद्धास के खिलाफ जो है पहला मैच खेला था पटना पायरेट्स ने, वो मैच जीते थे पटना की टीम, और उसके बाद दूसरा मैच जो है वो हारी थी, और उसके बाद लगातार जो है वो 3 जीत। तो जीत के हैट्रिक ये टीम लगा चुकी है पटना पायरेट्स की। अगर हम बात करें तो आज चाहेगी कि जो चौकड़ी है वो हासिल की जाए। प्रियांशी, आप जल्दी से प्रोबेबल 7 बता दीजिए। जी बिल्कुल, स्टार्ट करते हैं पटना पायरेट्स से। मुझे लगता है मोनू होंगे, बहुत स्टार प्लेयर है और इस साल फॉर्म में भी नज़र आ रहे हैं। प्रशांत होंगे दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे सचिन होंगे, ये लोग रेडर हैं, नीरज डिफेंडर हैं, और सचिन बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, बहुत अच्छा खेल रहे हैं, आप कह सकते हैं स्टार प्लेयर हैं इस टीम के। मो चियाने जो हैं वो भी ऑलराउंडर हैं और बहुत अच्छा खेल रहे हैं, सुनील डिफेंडर है और अच्छा खेल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि पटना पायरेट्स के टॉप 7 इस बार के प्रोबेबल 7 ये होंगे। और अगर हम तमिल तलाइवास की बात करें तो मंजीत होंगे, बहुत ही अच्छा काम किया है इस बार इस मुकाबले में उन्होंने। और अगर हम दूसरे होंगे के प्रपंजन, तीसरे होंगे बी राजपूत, चौथे होंगे सागर, मोहित और सुरजीत और सुनील। तो ये आज के दिन का जो पहला मैच है उसके प्रोबेबल 7 प्रियांशी ने बताए। अब जो है स्मृति, आप बताइए जो दूसरा मैच खेला जाएगा बेंगलुरु बुल्स बनाम पिंक पैंथर्स, उसके प्रोबेबल 7 आप बताइए कि क्या कोई चेंजेस होने के अनुमान चांसेस है, दिख रहे हैं आपको, या फिर वही स्क्वाड होगी? बिल्कुल, देखिए अगर बेंगलुरु बुल्स की बात करें, देखिए अगर हम उनके प्रीवियस प्रदर्शन की बात करें, पुनेरी पल्टन के अगेंस्ट वो 40-29 के साथ वो डिफीट हुए, और वहीं पवन शरावत सुपर 10 उन्होंने हासिल किया था 11 रेड पॉइंट्स के साथ, चंद्रन रंजीत 6 रेड पॉइंट्स थे उनके पास, और वहीं सौरभ नदाल और अमन 4 टैकल पॉइंट्स के साथ डिफेंस में उतरे थे। और अगर हम प्लेइंग 7 प्रोबेबल प्लेइंग 7 की बात करें तो मुझे नहीं लगता बेंगलुरु बुल्स में आज कोई चेंजेस देखने मिलेगा, वही टीम होगी, पवन शरावत होंगे, मयूर कदम होंगे, चंद्रन रंजीत होंगे, मोहित शरावत होंगे, भरत होंगे, सौरभ नदाल होंगे और अमन होंगे। वहीं अगर अब जयपुर पिंक पैंथर्स की बात करें तो उनका जो लास्ट मैच था उनका वो 28-31 के साथ हार गई थी बंगाल वॉरियर्स के अगेंस्ट, अरुण देशवाल एक अकेला बैटल खेल रहे थे ऐसा लग रहा था पैंथर्स के लिए, 16 रेड पॉइंट्स उन्होंने कलेक्ट किया था, वहीं शहूल कुमार बेस्ट डिफेंडर हुए थे। और देखिए आज का प्रोबेबल प्लेइंग 7 में मुझे लगता है कि दीपक सिंह को अमित रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस बीच मैं प्रोबेबल प्लेइंग 7 बता देती हूँ जयपुर पिंक पैंथर्स की। दीपक हुड्डा होंगे, अर्जुन देशवाल, विशाल, नवीन, शाहुल कुमार, नितिन रावल, दीपक सिंह या फिर अमित रिप्लेस कर सकते हैं, बार बार बता रहे हैं दीपक सिंह को, अब देखना होगा कि क्या रिप्लेस कर पाते हैं या नहीं। तो देखिए फिलहाल जो है ये वीडियो को एंड करेंगे, उससे पहले जो पॉइंट्स टेबल है उसमें कौन सी टीम किस नंबर पर मौजूद है वो आपको एक बार जल्दी से बता देते हैं। तो नंबर 1 पर दबंग दिल्ली है 26 पॉइंट्स के साथ, और बेंगलुरु बुल्स सिर्फ 3 पॉइंट्स कम है। आज मौका होगा नंबर 1 पर, क्योंकि बेंगलुरु बुल्स और दबंग दिल्ली ये दो टीम है जो 1-2-1-2 करे जा रही है। फिर पटना पायरेट्स है 21 पॉइंट्स के साथ, यू मुंबा 20 पॉइंट्स के साथ, फिर पाँचवें नंबर पर तमिल थलाईवास 19 पॉइंट्स के साथ, और फिर 16 पॉइंट्स के साथ बंगाल वॉरियर्स, ये टॉप 6 में मौजूद है। अगर हम बॉटम 6 की बात करें तो 15 पॉइंट्स के साथ हरियाणा स्टीलर्स नंबर 7 पर, गुजरात जायंट्स नंबर 8 पर 14 पॉइंट्स के साथ,
उतने ही पॉइंट्स के साथ 9 नंबर पर यूपी योद्धाज और फिर उससे दो अंक कम यानी 12 पॉइंट्स पर पॉइंट्स के साथ जयपुर पिंक पैंथर्स 10वें पोजीशन पर है। 11वें नंबर पर तेलुगु टाइटंस 10 पॉइंट्स और उतने ही पॉइंट्स के साथ पुनेरी पल्टन्स मतलब बॉटम में मौजूद है। तो ये पॉइंट्स टेबल है अभी तक। और आज जो है दो धमाकेदार मुकाबले खेले जाएंगे। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का 16वां दिन है आज और दो मैचेस खेले जाएंगे, पटना पायरेट्स बनाम तमिल थलाइवाज और बेंगलुरु बुल्स बनाम जयपुर पिंक पैंथर्स। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें।